नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजदे सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। संस्थान के द्वारा आप सभी के लिए एग्रीकल्चर के संबंधित जो करंट इवेंट्स या समसामयिक मुद्दे थे उनसे संबंधित हम आपको एक सीरीज चला रहे थे, जिसको किन्हीं कारणवश रोक दिया गया था। पुनः उस सीरीज को हम आपके बीच में लेके आ रहे हैं और उसमें हम प्रयास ये करते हैं एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी समसामयिक मुद्दे हो उन पर ही हम प्रकाश डालते हैं। उनके एक छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको ये वीडियो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और इसको आपके बीच में लाने का जो मुख्य उद्देश्य है, वे सभी छात्र जो किसी प्रवेश परीक्षा से संबंधित हैं, अगर एग्रीकल्चर से हैं तो उनके लिए इसका डाटा उपयोगी होता है। दूसरा, यदि कोई छात्र जैसे उत्तर प्रदेश में सम्मिलित कृषि सेवा परीक्षा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में आप केंद्र सुपरवाइजर या AGTA आप प्राविधिक सहायक के लिए आप प्रयास कर रहे हैं या किसी अन्य परीक्षा के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी लोक सेवा आयोग हो या किसी राज्य के अन्य राज्य के स्टेट PCS के हो, तो उनमें आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक दो प्रश्न एग्रीकल्चर से संबंधित जरूर मिलता रहता है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में हमेशा एक दो प्रश्न आपको एग्रीकल्चर से संबंधित मिलता रहेगा। और यदि कोई आपकी परीक्षा ऐसा है जिनमें एग्रीकल्चर वालों के लिए है तो वहाँ के लिए तो ये वरदान साबित होता है। इसलिए इन छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से पुनः हम आपको अवगत कराते रहेंगे और अपनी जानकारी से भी हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। आने वाले समय में एग्रीकल्चर से संबंधित क्या जानकारियाँ निकल के आ रही है उसको हम आपको दिखाते भी रहते हैं, बताते भी रहते हैं। तो ऐसी जानकारियों के लिए हमसे आप जुड़िए, हमारी संस्था के जो टेलीग्राम चैनल है आप वहाँ पर आइए जुड़िए, क्योंकि वहाँ पर भी पर डे क्वेश्चंस डाले जाते हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। हम आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएंगे, आप हम फेसबुक पर भी मिल जाएंगे, आप हमें जहाँ भी चाहेंगे इन सभी सोशल साइटों पर आप हमें देख सकते हैं। आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं आज एक छोटा सा टॉपिक लेके, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टॉपिक है। इसमें भारत की एक बहुत बड़ी पदवी इसको दी गई है, इसलिए यह आपके लिए जो है ज़्यादा समसामयिक मुद्दों में उपयोगी हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन। वैसे भी भारत चीनी के मामले में दुनिया का एक बहुत ही जाना माना राष्ट्र है। दुनिया के जितने भी राष्ट्र, चाहे चीन हो, ब्राज़ील हो, रसिया हो, थाईलैंड हो, पाकिस्तान हो, ठीक है, अमेरिका हो, हवाई द्वीप हो, इन सभी में जो है आप देखते हैं चीनी की या शुगर केन की खेती खूब की जाती है और उसी में हमारा देश है जो सबसे अग्रणी राज्य के रूप में या राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। तो क्या इस बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस रूप में भारत के साथ क्या हुआ है, तो इसको अगर आप देखेंगे तो देखिए लिखा है अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन एक चीनी संगठन है, ठीक है, या यहाँ से अगर इन्होंने लिख दिया अंतर्राष्ट्रीय, या चीनी संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 3 दिसंबर 1968 की। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इसमें जो महत्वपूर्ण होने का जो मेन बातें है, इस वर्ष की जो अध्यक्षता की जो जिम्मेदारी है वो भारत के पास है, इसीलिए यह महत्वपूर्ण हो गया है, ठीक है। आगे इसमें लिखा है इस संस्था में कुल 87 देश सदस्य है, ठीक है, कितने देश सदस्य है इसमें, कुल 87 देश इसके जो है सदस्य हैं। इन सदस्य देशों के बारे में जानकारी है। संस्था का उद्देश्य विश्व में चीनी व्यापार को सुगम, जैसा कि हम सभी को पता है दुनिया के हर देश को अब चीनी की आवश्यकता पड़ चुकी है, उसके बिना कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता है। और दुनिया के जो देश ग्रो कर रहे हैं अगर वो एक अच्छे संगठित होकर के बढ़िया से इसका व्यापार करेंगे तो अच्छा लाभ भी पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का मुख्यालय कनाडा स्क्वायर कैनरी पॉट लंदन में स्थित है। इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय चीनी का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, आपका लंदन में है। आगे लिखा है ISO ने अपनी 63वीं परिषद बैठक में भारत को वर्ष 2024 का अध्यक्ष बनाने की घोषणा किया है। इसका मतलब ISO इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्ष 2024 का अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, भारत होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 63वीं बैठक में किसको चुना गया है, भारत को चुना गया है। आगे लिखा है ISO की बैठक में भारत की तरफ से
भारत के खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने इस बैठक में क्या किया था, भाग लिया था। ठीक है, भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता, यही सवाल आपसे पूछा जाएगा कि चीनी का, दुनिया का चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता, ठीक है, और उत्पादन करने वाला एवं दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। इसका मतलब चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और प्रथम सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ठीक है, अब तो हमारे देश में हालात ये हो गई है कि सुबह जगे जब आँख खुले तो चाय चाहिए। ठीक है, हमारे देश में बेड टी तक का जो है कॉन्सेप्ट आ चुका है, इतना हम लोग उसके एडिक्ट हो चुके हैं। आगे लिखा है, वैश्विक चीनी खपत में भारत की भागीदारी 15%। इसका मतलब विश्व के कुल कंजप्शन में जो भारत की भागीदारी कितना है, 15% का, एवं उत्पादन में 20%। हम विश्व की कुल चीनी का 20% उत्पादन कर लेते हैं और विश्व की कुल चीनी का 15% उपभोग कर लेते हैं। ठीक है, कि भागीदारी के साथ साथ भारत चीनी वैश्विक बाजार को प्रभावित करता है। ठीक है, तो यह क्या है, चीन का एक सबसे बड़ा, भारत का एक बहुत बड़ा अपना इसमें भागीदारी है। आगे लिखा है, वर्तमान में भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील के बाद इथेनॉल उत्पादन में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। देखिए, चीनी उत्पादन के मामले में दूसरा बड़ा देश, उपभोक्ता के मामले में प्रथम बड़ा देश, ठीक है, और चीनी से या सुगर से इथेनॉल बनाने के मामले में तीसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, आगे लिखा है, भारत में इथेनॉल मिश्रण प्रतिशत 19-20 में 5% से बढ़ करके वर्ष 22-23 में 12% हो गया है। ठीक है, अब ये इथेनॉल कहाँ बना करके क्या किया जा रहा, चूंकि चीनी से सिर्फ शर्करा बनाने, अब इसे इथेनॉल बनाया जा रहा। अब आपसे सवाल हमारा ये है, आप लोग सभी लोग अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि इथेनॉल का उपयोग कहाँ किया जा रहा है या किस में इसे मिश्रित किया जा रहा है, जबकि इसी अवधि के दौरान इथेनॉल उत्पादन 173 करोड़ लीटर से बढ़ करके 500 करोड़ लीटर से अधिक हो गया है। ठीक है, तो ये चीनी के संबंध में एक आपका जो है छोटा सा विवरण था। इस तरह से हम आपको तमाम जो है ये अब समसामयिक मुद्दे से हम आपको अवगत कराते रहेंगे और हमारी संस्था के द्वारा यह आपके लिए, इसका जो आपका PDF चाहिएगा तो हमारे या तो कोचिंग के ऐप में या तो संस्था के टेलीग्राम चैनल पे आप आ जाइएगा, दोनों जगह यह चीज़ें आपको मिल जाएगी। और संस्था से किसी भी तरह की जानकारी के लिए भैया लोग, आप लोग 94-15-25-25-72 पर संपर्क कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिल सकती है। ठीक है, तो ये आज के लिए एक छोटा सा हो, आप आगे के लिए हमसे जुड़े रहिएगा और ऐसे अच्छे अच्छे जानकारी से हम आपको प्रभावित करते रहेंगे, आपके परीक्षा के लिए हम आपको बेहतर कार्य करने का प्रयास करेंगे।